नमस्कार, भाग्य वास्तव में मैं धीरेन्द्र शाह। बहुत सारे रेसिडेंस में देखा है कि बहुत सारे परिवार में मैंने देखा है कि सब लोग के कॉमन फरियाद रहती है कि हम लोग का मगज बहुत गर्म रहता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, घर में वाद विवाद ज़्यादा होता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है और छोटी छोटी बात में स्वभाव चिड़िया हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। जब ये बात बनती है तब मैंने देखा है अगर आपके घर का ईशान खूना और वाय दिशा डिस्टर्ब है तब आपका नेचर के साथ आपकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है, आपकी मानसिक संतुलन बैलेंस नहीं रहती है और छोटी बात पे भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अरे ईशान खूना और वाय दिशा का वास्तु दोष आपको तात्कालिक अपने मकान में सुधार कर देना चाहिए, तब तो आप लोगों का, आपका परिवार का सभी मेंबर का नेचर में बहुत अच्छा चेंज आएगा, कॉन्फिडेंस वाला नेचर बनेगा, सोच समझ वाला नेचर बनेगा, पेशेंस वाला नेचर बनेगा। अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो आप अपने रेसिडेंस का ईशान कोण और वाय दिशा का वास्तु पहले अच्छी तरह सुधार कर लो और अगर वास्तु दोष है तो उसको निकाल कर दो और वास्तु दोष का सुधार कर लेंगे तो आप अपने परिवार का सबका नेचर चेंज होता है आप देख पाएंगे, प्रकृति चेंज होती हुई समझ पाएंगे और आपकी सोच समझ और डिसीजन मेकिंग तीनों में बहुत अच्छा चेंज आएगा। मेंटली लेवल बहुत कॉन्फिडेंस वाला रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह बढ़ेगा तो आपका डिसीजन परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट डिसीजन होगा तो परफेक्ट सक्सेस मिलेगी, सक्सेस के कॉन्फिडेंस सुख समृद्धि बढ़ेगी। वो हिसाब से अपने मकान के ईशान कोण और वाय दिशा का वास्तु दोष आप जड़प से सुधार कर लो और आप सुखी बनो, वो मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार।